आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया है। ये दादरी विधानसभा के मिहिर भोज कॉलेज के अंदर 12 फीट की स्टैचू मूर्ति है जिसका अनावरण आज उन्होंने किया है, और ये वो मूर्ति है जिसका अनावरण हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर इसका एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया था। इस मूर्ति के अनावरण से पहले विवाद भी ज़रूर हुआ था, राजपूत और गुजरों के बीच में था। दोनों अपने अपनी तरफ से जो राजा मिहिर भोज हैं उनको अपना अपना पूर्वज बता रहे थे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले विवाद सुलझ गया था। लेकिन अभी भी जब ये कार्यक्रम था उससे पहले विवाद सुलझा था। और यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये करीब 2 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ये अनावरण नहीं हो पा रहा था। और इस तरह से जो ये कार्यक्रम आज हुआ है इसको विधानसभा चुनाव जो है अगले साल होने वाले हैं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में यानी दादरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत जो सामने तक जाता है इलाका, यहाँ पर गुजरों की बड़ी संख्या है और उनको उभारने की इस दिशा में भी देखा जा रहा है। तो राजा महेंद्रनाथ सिंह के बाद मिहिर भोज की मूर्ति, राजा मिहिर भोज की मूर्ति का यह अनावरण जो है इससे बीजेपी गुजरों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। फिलहाल ये जो मूर्ति अनावरण हुआ है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि विवाद था। अभी भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है जहाँ पर मूर्ति अनावरण हुआ है, और चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई थी, क्योंकि विवाद जो था उसके वजह से यहाँ पर किसी तरह का अवरोध ना हो जब मूर्ति अनावरण हो। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे तब भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, और उनके जाने के बाद भी अभी यहाँ मूर्ति के आसपास भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, दादरी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।